नमस्कार दोस्तों, हम सभी देखते हैं कि माँ बाप चाहे सुंदर हो ना हो, लेकिन कभी भी महिला अगर अपने बच्चे की चाह रखती है तो वह सोचते हैं कि बच्चा उनका सुंदर ही होना चाहिए, चाहे माँ बाप कैसे भी हो। लेकिन उनका विचार यही होता है कि बच्चा हमारा हमसे तो सुंदर ही हो। लेकिन बच्चे सुंदर होते कैसे हैं? जब भी पेरेंट्स की भाषा और उनके मन विचार एक दूसरे के साथ कॉमन मेल खाते हैं और कॉमन मेल खाने के साथ साथ एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं, कुछ छिपाते नहीं हैं, ना तो कोई मटमेल होता है। और गर्भावस्था की अवस्था में भी महिलाएं ज्यादातर भजन वगैरह सुनती हैं या फिर कुछ चीजों में ही ध्यान लगाती हैं, उल्टी सीधी चीजों पर नहीं ध्यान देती हैं, तो और दूध से दूध सेवन करती हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। देखा तो यही जाता है, कभी भी गर्भवती महिला हमेशा ये ध्यान देती है कि बच्चा उसका हेल्दी हो रहे। हेल्दी रहने के लिए हमेशा उस समय खाने का बहुत ज्यादा प्रॉपरली तैयार रखती है कि ये खाना है और इस समय पर ये खाना है। लेकिन फिर भी बच्चा होने के बाद बच्चा वैसा नहीं होता जैसे कि वो कल्पना कर रही होती है। लेकिन बच्चा स्मार्ट ना होने की वजह से थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुंदर रहे तो कोशिश ये करें कि आप अपने मन को थोड़ा साफ करें, ताकि आपके जीवन में और आपकी भाषा की वजह से आपके जीवन में एक नन्ना मुन्ना अच्छा और सुंदर बच्चा आए। और गर्भाशय के समय पर आप केसर दूध डालकर ही पिए और जब से गर्भ धारण किया हो उस समय से ही शुरू कर दें। ऐसा करने से बच्चा आपका सुंदर ही पैदा होगा। तो ये है बच्चा सुंदर क्यों होता है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।